हे एवरीवन वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे गाइस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में किस तरीके से एसेट्स के अकाउंट को क्लोज किया जाएगा वो सब हमने डिस्कस कर लिया था और हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को लेट्स स्टार्ट तो देखिए गाइस हम बात कर रहे थे आगे लाइबिलिटीज के बारे में देखिए लाइबिलिटीज को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा देखिए हमने लाइबिलिटीज यहाँ लिखी थी देखिए ये लाइबिलिटीज है आपके पास तो लाइबिलिटीज के बारे में क्या बोला जाता है बहुत ध्यान से सुनना है आपको लाइबिलिटीज के बारे में बोला जाता है कि हमें कौन सी लाइबिलिटीज की बात करनी है हम पहले बात कर रहे हैं आउटसाइड लाइबिलिटी यस गाइस आउटसाइड लाइबिलिटीज उन सबको

तो रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर आ जाएगा तो पहली बात आउटसाइड लाइबिलिटी होती क्या है आउटसाइड लाइबिलिटी जो हमें बाहर के लोगों का पैसा देना है लाइक like हमारे क्रेडिटर्स हो गए बिल्स पेबल हो गए ये हमें बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया कैश क्रेडिट हो गया ठीक है गाइस उसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन हो गए लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए तो ये सब क्या है आउटसाइड लाइबिलिटी इवन ध्यान से सुनना पार्टनर की वाइफ का लोन

एसेट से रिलेटेड तो वहीं चले गए हैं जितने भी रिजर्व लाइक like आपके आ, कौन कौन से हैं वर्कमैन कंपनसेशन इसके बारे में गाइज मैं डिस्कस करूंगा स्पेसिफिकली रिजर्व फंड हो गया उसके बाद क्वॉन्टिजेंसी रिजर्व हो गया ये सब यहाँ नहीं जाते हैं तो ये सब चीजें यहाँ पर आती नहीं है कहाँ पर रियलाइजेशन में ठीक है गाइज मैं एक एक चीज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता चलता हूँ देखिए मैं बताता भी चलूंगा कहाँ कौन सी आइटम जाएगी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिल्स पेबल ठीक है गाइज बिल्स पेबल के बारे में बिल्स कहा जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटी रियलाइजेशन में एंट्री क्या होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ठीक है तो बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन में बाय बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट भी सेम होगा ये भी रियलाइजेशन में जाएगा देखिए ये भी रियलाइजेशन शॉर्ट टर्म रोल ये भी रियलाइजेशन में जाएगा क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन में जाएगा उटस्टैंड इनकम रिसीव इन एडवांस एडवांस आउटसाइड लाइबिलिटी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में कल हम बात कर रहे हैं एसेट से रिलेटेड है अगर एसेट रियलाइजेशन में जाएगा तो ये भी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर जाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गाइज इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा अभी नहीं बता रहा हूँ इसके बाद रिजर्व फंड ये गाइज रिजर्व फंड क्वानीजेंसी रिजर्व इनके बारे में बात कर रहा हूं ये कोई लाइबिलिटी नहीं है ये तो हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ हुआ है ये पार्टनर से रिलेटेड है तो अगर मैं इनकी बात करूं जो हमारे रिजर्व फंड है देखिए यहां पर लिखा भी है जो हमारे क्या है रिजर्व फंड रिजर्व फंड है और जो हमारे यहाँ कॉन्टीजेंसी रिजर्व कोई इस तरीके के रिजर्व हैं तो उनको क्या किया जाएगा ये रिलेट करते हैं पार्टनर partner से पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा एंट्री वुड बी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी रिजर्व फंड या कॉन्टीजेंसी रिजर्व कुछ भी है में क्या हो जाएगा देखिए मैं एक और बात इसी से related करता हूं कि अगर Employees Provident Fund हुआ तो इसका क्या होगा ये 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 का नहीं है ये Employees से related liability है से कहा जाएगी अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एक और पॉइंट यहां पर बैलेंस में कर देता हूं that is Employees Provident Fund. ये आउटसाइड लाइबिलिटी रियलाइजेशन में जाएगी ऑलराइट राइट गाइज तो ये भी हो गया हमारा ये भी हो गया इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा कहां पर कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन पार्टनर्स करंट करंट अकाउंट में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रॉफिट है जो हमने डिवाइड नहीं किए हैं दैट इज अक्यूमिलटेड प्रॉफिट किससे रिलेट करते हैं पार्टनर से तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे तो जैसा हमने रिजर्व फंड वगैरह का किया वैसे ही तो एंट्री वुड भी क्या हो जाएगी That would be profit and loss account debit to partners capital. ये partners capital में चला जाएगा इसके बाद partners loan, partner ने loan दिया हुआ है तो हमने देखो यहाँ पर partner loan अलग से बनाया था तो यहाँ पर हो जाएगा by balance brought down. ठीक है guys? All right. इसके बाद partner की wife का loan मैंने अभी बताया ये outside liability. Partner की wife का loan outside liability है ये realization में जाएगा guys. ये कहा जाएगा रियलाइजेशन में तो अगर मैं बात करूं देखिए ये हमारी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी के अकाउंट हमने कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिए यहाँ पर सारी की सारी एसेट आ गई चाहे टू में आ, मतलब कोई भी एसेट थी बिल्स रिस्यूएबल डेटर ये सब अलग अलग लिखा जाएगा ठीक है गाइस यहाँ पर सारी आउटसाइड लाइबिलिटी आएगी लाइक क्रेडिटर्स बाय बैंक ओवर ठीक है बाय पार्टनर्स वाइफ लोन वाइफ का लोन है सब यहाँ पर एसेट सारी की सारी जो बिकने योग्य है वो यहाँ आ जाएंगे और लाइबिलिटीज जो हमें पे ऑफ करनी है आउटसाइड लाइबिलिटी वो सारी की सारी यहाँ पर शो कर दी जाएगी पार्टनर्स लोन में बायेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा लोन टू पार्टनर में टू बैलेंस ब्रोड हो जाएगा करंट अकाउंट में अभी हमने बात भी की थी देखिए करंट अकाउंट में अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन ठीक है और यहाँ पर अगर कैपिटल का है तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन ठीक है उसके बाद जो भी रिजर्व है मान लीजिए कॉन्टीजेंसी रिजर्व है वो आ जाएगा कोई भी अदर रिजर्व है वो यहां आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है यहां आ जाएगा इस तरीके से हम सारे के सारे अकाउंट्स को ट्रांसफर करेंगे अब बात आती है नेक्स्ट चीज आती है देखिए ये तो हमने क्या किया एसेट्स और लाइबिलिटीज उन सबके अकाउंट्स को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया कर दिया अब क्या होगा अब हमें एसेट्स को बेचना है एसेट्स को बेचना है अब वो एसेट्स एसेट्स नहीं है देखिए एसेट्स को हमने किस में डाला है एसेट्स को डाला है हमने रियलाइजेशन में ठीक है गाइस रियलाइजेशन में अब एसेट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है वो अब एसेट नहीं रही अब वो क्या बन गई है रियलाइजेशन ठीक है गाइस ध्यान से सुनना अब हम बेचने की बात कर रहे हैं ध्यान से समझना अब वो रियलाइजेशन बन गई है अगर हम एसेट को देखो अब तरीके क्या है एसेट को अगर हम किस में बेच रहे हैं कैश में ठीक है कैश में अगर बेच रहे हैं तो पैसा आएगा कैश या बैंक कैश या बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री होगी टू में क्या क्या हो जाएगा अब वो 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 एसेट नहीं है वो क्या है realization. Sorry, realization. है रियलाइजेशन रियलाइजेशन सॉरी ठीक गाइस तो तो एक तरफ कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा जो हम बना रहे हैं एक तरफ वो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर जाएगा ऑल राइट गाइस उसके बाद अगर हम उसको पार्टनर अगर कोई पार्टनर कहता है भैया मैं ही ले जाता हूँ पार्टनर लेकर जा रहा है तो उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा तो एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल जो पार्टनर है उसकी कैपिटल कम हो जाएगी अकाउंट डेबिट और वो क्या लेकर जा रहा है एसेट एसेट अब asset नहीं है तो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन ठीक है तो दो जगह जाएगा तो उस पार्टनर के कैपिटल में और रियलाइजेशन की क्रेडिट में तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एसेट कौन लेकर जा रहा है लेकर जा रहा है आउटसाइड लाइबिलिटी या कोई भी लाइबिलिटी है वो लेकर जा रही है ठीक है मान लीजिए क्रेडिटर्स लेकर जा रहे हैं ठीक है मान लीजिए मैं इसमें तीन केसेस बता रहा हूं ध्यान से सुनना क्रेडिटर्स हैं हमारे टेन थाउजेंड के ठीक है वो एक एसेट लेकर जा रहे हैं मान लीजिए फर्नीचर लेकर जा रहे हैं कितने में फिफ्टीन थाउजेंड वाला फर्नीचर लेकिन वो फुल सेटलमेंट में लेकर जा रहे हैं ठीक है, फुल सेटलमेंट में लेकर जा रहे हैं मतलब कोई और वो एक्स्ट्रा क्रेडिटर्स पैसा नहीं देंगे तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो रही है कितने की खत्म हो रही है टेन थाउजेंड क्योंकि क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन है अब क्रेडिटर क्रेडिटर नहीं है वो भी रियलाइजेशन है टू में एसेट जा रही है कितने की फिफ्टीन थाउजेंड आपको ये बताइए आपको प्रॉफिट हो हो है? है, हो तो तो नहीं होती है. एंट्री. अगर फुल आता है तो कोई भी एंट्री नहीं होती है अब हो सकता है क्रेडिटर्स टेन थाउजेंड वाली सॉरी क्रेडिटर्स टेन थाउजेंड उनको देने हैं और वो फर्नीचर लेकर जा रहे हैं पंद्रह हजार और हम कह रहे हैं भैया आपको हमें पांच हजार देने पड़ेंगे आप पे करो फर्नीचर तो अगेन से से तो तो वो तो रियलाइजेशन है, है? तो वो है कितना फाइव थाउजेंड तो पंद्रह की एंट्री नहीं होगी केवल पांच हजार की एंट्री होगी आई होप ये भी आपको आया होगा अब तीसरा केस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए क्रेडिटर्स है हमारे कितने के

थाउजेंड आई होप ये तीनों पॉइंट अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा आपको अच्छे से समझ आया होगा हम बाकी जो टॉपिक है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना फिर कैसे अकाउंट सेटल किए जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो